नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अस्तु त्रिपाठी वाराणसी से एस्ट्रो फॉर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, फैसला कैसे लें, डिसीजन कैसे लें और क्या वो सही होगा, गलत भी हो सकता है। तो हम हाथ पे कौन से ऐसी रेखाएं हैं जिससे हम जान सके कि हाँ मैं डिसीजन ले सकता हूँ, उसके उपाय भी बताऊँगा जिसे आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बुध आता है। जिसका बुध अच्छा है, क्या माइंड होता है, शार्पनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत कैलकुलेशन करना, तुरंत रिजल्ट को निकालना, एक्टिव मोड में ऐसे लोग रहते हैं। वो कौन सी उंगली होती है, देखिए छोटी उंगली है, साइड की उंगली के ऊपर के पोर से ऊपर चली जाए, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। पॉलिटिक्स में जानते ही हैं कितना दिमाग की आवश्यकता होती है। अकाउंट में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं बुध वालों का। अब पर्वत भी थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। अगर बुध है, पर्वत अच्छा है, तो आप फैसला सही लोगे। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, चंद्र रेखा से अगर कोई रेखा बुध पे मुड़ गया, चला गया हो, तो ऐसे लोग गुदड़ी के लाल होते हैं अपने फैसले की वजह से। देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो चलिए, इस बुध में आपको मिल गया कि आप बुध के हाथों को देख के कैसे समझ सकते हो। अब बात करते हैं अंगूठे का। अंगूठे का ऊपर पोर नीचे पोर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, या तो फिर ऊपर का ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप फैसला अच्छा लोगे और इसी फैसले के दम पे आप नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। एक और है, ये मंगल का पर्वत देख रहे होंगे आप, निचला मंगल, और ये भी एक मंगला मंगल है, ठीक है, उसको मानसिक मंगल बोलते हैं, उसको दूसरा मंगल बोलते हैं। तो ये जो मंगल का हिस्सा है, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा है, नॉर्मल उठा हुआ है, तो भी आप फैसला अच्छा लोगे। ये विल पावर का इंडिकेट करता है, जिसका विल पावर इंडिकेट है वो फैसला सही लेगा ही लेगा। और चंद्र पर्वत उठा हुआ, प्रकर्षण ज़्यादा ना लिया हुआ हो, कटी पटी रेखाएँ ना हो, दाग धब्बे ना हो, तो तीन रेखाएँ अगर आपके अच्छे हैं, तो आप डिसीजन अच्छा लोगे, सही समय पे सही डिसीजन लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में सही समय पे सही डिसीजन लेना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये रेखाएँ हैं तो आप लेंगे। अगर इसी तरह कोई समस्याएं हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद। एस्ट्रो फॉर ऑल के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए सिंपल से 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। स्टेप नंबर 2, पेमेंट करें। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और ऑनलाइन। स्टेप नंबर 3, अपनी पेमेंट का कंफर्मेशन करें। और स्टेप नंबर 4, एस्ट्रोलॉजर से बात करें।